तो मेरा जो सबसे बड़ा डर था, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा फोबिया था, वो था फिजिक्स। 180 आउट ऑफ 180 पे भी मैं पहुंचा और फाइनल नीट में भी मैंने 180 स्कोर किया। इन चार सी पे काम कर लो, इनको स्ट्रांग कर लो, तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। दोस्तों नमस्कार। आप सामान्य स्तर से ऊपर उठना चाहते हैं, औसत से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं, घर का परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ में साझा कर रहा हूँ और गुरु कृपा के उस होनहार बेटे से आपको मैं मिलवा रहा हूँ। संजीव मेरे साथ है, जिन्होंने नीट यूजी 2022 के इस एग्जाम में इस बार 6856 मार्क्स स्कोर किया है, 685 नंबर हासिल किए हैं। ऑल इंडिया रैंक है 602 और EWS कैटेगरी में इनका रैंक है 51। संजीव जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद अब भी उतने सहज और सरल दिखाई देते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ बारीकियों का बखान करते हैं, कैसे संजीव ने यह सफलता पाई और गुरु कृपा का नाम कैसे रोशन किया, शेखावाटी का सिरमौर यह संस्थान कैसे इस बार नीट के परिणामों में छा गया, कुछ बुनियाद इसकी कुछ आधारशिला संजीव अपनी जुबानी कहेंगे। तो आइए संजीव की कहानी सुनते हैं, संजीव की जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम संजीव है, मैं यहाँ के सीकर के पास गांव है एक काछवा, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने जैसे कि सर ने बताया, अपनी प्रिलिमिनरी एजुकेशन 10th तक बैंगलोर कर्नाटका से की थी और उसके बाद में मैंने सोचा, मैंने जब अपने दिमाग में आया कि मेरे को मेडिकल करना है, नीट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल मेरे दिमाग में यही आया था कि मैं कोटा जाऊँ, क्योंकि पहले से ही एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ है कि कोटा जो है वो बेस्ट बोलते हैं लोग, कि जो भी JEE या नीट या ऐसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। लेकिन मेरे आसपास के लोग थे, जो मेरे साथ के दोस्त थे जो यहाँ पढ़ भी रहे थे पहले से, कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि जब तेरा नेटिव सीकर के पास है तो तेरे को इतना दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे को सीकर में ही बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं जो तेरी प्रिपरेशन अच्छे से लाएंगे। तो उस चीज़ के लिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं सीकर आता हूँ नीट की प्रिपरेशन के लिए। दक्षिण भारत के कर्नाटक से आप पढ़ के आए और वहाँ से आपने सेकेंडरी एजुकेशन किया, प्राइमरी एजुकेशन आपका वहीं कम्प्लीट हुआ, पूरी तरीके से एक चेंज्ड एटमोसफियर में आप आए। यहाँ आने के बाद सबसे पहले कैसे चैलेंजेज आपके सामने थे, कुछ लैंग्वेज के इश्यूज थे या नेटिव यहीं का होने के कारण ये सब चीजें आप बहुत इजीली कर पा रहे थे? सर सही बताऊं, मैं तो लैंग्वेज का कभी इश्यू नहीं रहा, बिकॉज मैं जब वहां से आया था तो ऑलरेडी मैं नेटिवली बहुत अच्छे से कनेक्टेड था ऑलरेडी, भले ही मैं बैंगलोर में रह रहा था, बट एवरी ईयर एक दो महीने के लिए यहाँ पे रहने की वजह से मैं यहाँ के नेटिव के साथ, यहाँ के कल्चर के साथ काफी कनेक्टेड था, तो इतनी ज्यादा दिक्कत हुई नहीं लैंग्वेज में। लेकिन एक सर बोल रहे हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे आए तो 11th में, वो ये था कि बोर्ड भी हमारे कोविड के बीच में गए थे और कोविड की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो इट वाज ऑलरेडी अ वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस। हम लोग बिल्कुल यूज टू नहीं थे ऑनलाइन क्लासेस के, उस माहौल के बिल्कुल भी, उस क्लासरूम नेचर के हम लोग ज्यादा यूज टू थे, तो वो चीज एक सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। संजीव जैसा बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, जितने सारे बच्चे आपसे मिले वीडियोज के थ्रू रूबरू हो रहे हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, इन सब बच्चों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम रही। 2020-21 के सेशन में इन्होंने 11th पास किया और 21-22 के सेशन में ये 12th में न सिर्फ अच्छा स्कोर कर गए हैं बल्कि नीट में भी इन्होंने झंडे गाड़े हैं। तो इन बच्चों का 11th जो था वो करीब करीब कोविड के दौरान रहा, जो कोविड की फर्स्ट वेव थी, ज्यादा लंबे टाइम तक आप लोगों को सफर करना पड़ा, और जो सेकंड वेव थी उसकी स्थिति और भयावह थी, भयानक थी, बहुत सारे लोग रोजाना जो है वो इस दुनिया से विदा हो रहे थे। ऐसे डरावने माहौल में इन बच्चों ने अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बनाए रखी और ये जो परफॉर्मेंस थी इनको इस मुकाम तक ले आई। सिर्फ गुरु कृपा का नाम रोशन नहीं किया, सीकर की पहचान एक बार फिर से जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने दिलवाई। संजीव मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन जब करते हैं तब वो इस फिजिक्स से डरते हैं, केमिस्ट्री से डरते हैं, बायोलॉजी की NCERT पढ़ने का पैटर्न उनको पता नहीं होता और जब बताया जाता है तो उसको फॉलो करने के बजाय कई सारे एक्सक्यूजेज जो है वो बच्चे सामने रखते हैं, तो आप उन बच्चों को स्पेशली ये बताएं कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फोबिया जो है वो कैसे दूर किया जाए। सर आप जब बात कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, तो जब मैं आया था, जब मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि ठीक है नीट के लिए प्रिपेयर करना है, तो मेरा जो सबसे बड़ा डर था, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा फोबिया था, वो था फिजिक्स। मेरे को हमेशा से फिजिक्स से सही बताऊं डर लगता था और उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि फिजिक्स जो था उसको मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा था, मैंने उसको अप्लाई करना इतना अच्छे से सीखा नहीं था 10th तक फिजिक्स एक बहुत उतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता नहीं है जितना होना चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा फोबिया था मेरा।
और इनिशियली मेरी फिजिक्स जो थी ना सिर्फ वीक थी, मैं उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाता फिजिक्स में, उसके साथ ही फिजिक्स का जो डर था उसकी वजह से मैं उसको प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहा था, कि इम्प्रूव करने की जो कोशिश थी उसमें भी मेरे को दिक्कत आ रही थी, तो फिजिक्स वॉज द टफेस्ट थिंग। बाकी साथ में ऐसा हुआ कि इनिशियल डेज में प्रॉब्लम आई, लेकिन बाद में जैसे जैसे टीचर्स का गाइडेंस मिलता गया चीज़ें और आसान होती चली गई। और वो कहते हैं ना कि जब तुम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी हो, चाहे टाइम लग जाए, लेकिन मिलती है वो चीज़ कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उसी तरीके से मेरा भी इम्प्रूवमेंट रहा फिजिक्स में पर्टिकुलरली, और फिजिक्स धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुई, छोटे मार्क्स से बड़े पे, एवरेज मार्क्स पे, एवरेज से अच्छे मार्क्स पे, और अच्छे से 180 आउट ऑफ 180 पे भी मैं पहुंचा, और फाइनल नीट में भी मैंने 180 स्कोर किया। संजीव की बात को आगे बढ़ाऊं तो तुम अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलवाने की साजिश करती है। किसी एक फिल्म का डायलॉग है जी सर, शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन जीना पड़ता है, हर दिन सोचना पड़ता है, और अपने लक्ष्य के प्रति हर दिन सजग रहना पड़ता है। संजीव जैसा कह रहे हैं कि पहले दिन से ये सब सक्सेस नहीं आती, आपको फिजिक्स का फोबिया था लेकिन डे बाय डे इंप्रूवमेंट आता है, हर दिन आप कोशिश करते हैं, हर दिन आप प्रयास करते हैं तो ये चीजें अच्छी होती चली जाती हैं, ठीक होती चली जाती हैं। आप 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, और इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैसेज एक देना चाहेंगे कि डे बाय डे कैसे काम किया जाए, डे बाय डे कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जाए। तो मैं देखो क्रिकेट से एसोसिएट करते हुए चलता हूँ चीज़ों को, और विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, जो तो जब हम विराट कोहली की बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, वो है अग्रेशन। वो अग्रेशन जो है ना, वो तुम्हें अपनी पढ़ाई में दिखाना है। मैं बेसिकली मेरे अपने जो भी अप्रोच रहता था किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रखता था। एक डिफेंसिव माइंडसेट होता है बच्चों का कि मेरे 300 नंबर आ रहे हैं तो 300 को कैसे मैं 350 पे ले जाऊं, फिर कैसे मैं 400 पे ले जाऊं। मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच रखता हूं, हालांकि ये डिफेंसिव अप्रोच बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच है और काम करता है नो वे, क्योंकि टीचर सब बताते हैं तो ऑब्वियसली काम करता है, और मैंने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया। लेकिन मेरा थोड़ा सा अप्रोच जो मेरे लिए काम करता था वो ये था कि मैं कभी मार्क्स के बारे में सोचता ही नहीं था, मेरे को कभी इस चीज का फोबिया नहीं था कि मेरे अगर 400 आ रहे हैं तो वो 400 ही रह जाएंगे, मेरे अगर 400 नंबर भी आ रहे होते तो मेरा माइंडसेट कुछ इस तरीके का रहता था कि जिस दिन मेरा नंबर आएगा, जिस दिन मेरा पेपर अच्छा जाएगा, आई एम केपेबल, मेरी अबिलिटीज हैं कि मैं 700 नंबर भी ला पाता हूँ। तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करता था, एक अग्रेसिव अप्रोच रखता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं 23 के स्टूडेंट्स अगर हैं जो 2023 में नीट देने वाले हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, जैसे हमने भी जेईई केवीपीआई जैसे एग्जाम्स फाइट किए थे और क्लियर भी किए थे, तो उनको सिर्फ एक जो हमारे लेवल पे मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी अप्रोच, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बहुत ज्यादा हाई रखना होता है, क्योंकि जब तक तुम अपने आप पे, अपने अबिलिटीज पे विश्वास नहीं करोगे, तुम चीजें भले ही सीख लो लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं सीख पाओगे। तो उस चीज के लिए मैं बोलूंगा कि अपना कॉन्फिडेंस हमेशा अप रखें, और चीजें धीरे धीरे होंगी, अच्छी चीजों में वक्त लगता है, चीजों को अच्छा होने में वक्त लगता है, लेकिन ये जब वक्त लगता है और वक्त जब दिया जाता है, आपको क्या लगता है कितना रोल इसमें एटमॉस्फेयर का होता है? गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के क्लासरूम से लेकर हॉस्टल्स और बाकी की जितनी सारी चीजें थी, आपके सराउंडिंग में जितनी चीजें रोजाना होती हैं, उनका कितना बड़ा योगदान किसी एक बच्चे की सक्सेस में होता है? इसमें योगदान की बात करें तो अभी जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो हम जब बोल रहे थे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग की, तो ऑनलाइन हमारे लिए नया, ऑनलाइन मुश्किल इसीलिए था ना, कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हम लोग सिंसियर नहीं थे ऑनलाइन पे। अब एक वो सिंसियरिटी वाली बात आती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो एक्चुअली, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप एक इतने बड़े प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं, जब आप नीट की बात करें, आप एक डॉक्टर बनने वाले, तो सिंसियरिटी की बात तो आपको करनी ही नहीं चाहिए, आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं सिंसियर कैसे होऊंगा, मैं अपने लक्ष्य की तरफ कॉन्सेंट्रेट कैसे करूंगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा नोबल प्रोफेशन में, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन में जा रहे हो सोसाइटी के, तो उस चीज को तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दो। अब रही बात जब हम ऑनलाइन थे, तो हमारे लिए वो एनवायरमेंट जो था, जो पास हम बैठते हैं तो हमारे पास में जो दोस्त है वो क्या सोच रहा है, कैसे कर रहा है चीज़ों को, या टीचर्स कैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग जो क्लास में होता है, वो चीज़ जो थी वो थोड़ी सी लैक कर रही थी वहाँ पे। और एक इंटरेक्शन, हालांकि GCI वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट, ऑनलाइन पे भी वो लोग हमारे लिए लाइव डाउट सेशंस या टीचर से इंटरेक्शंस और 24/7 हमारे लिए डाउट का काउंटर खुला रहना, ऐसी चीज़ें करता रहता था, बट स्टिल देर वॉज दैट कम्युनिकेशन गैप, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि उस एनवायरमेंट में आपको खुद को फील करना होगा, आपको उस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भीड़ का हिस्सा बनोगे तभी तो आप उससे निकल के कहीं जा पाओगे। तो आपको अपनी माइंडसेट को ऐसे रखना है कि देखो, दुनिया में ना भीड़ बहुत बड़ी, लोग चीज़ें कर रहे हैं, लोग चीज़ों में अपनी
आजमा रहे हैं, तो अगर तुम्हें इनसे अलग स्टैंड आउट करना है, तुम्हें सोसाइटी में अपनी एक अलग जगह बनानी है, तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। वो बोलते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर लो, लेकिन जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम्हारा स्मार्ट वर्क काम नहीं करेगा। तो इन द एंड मैं यही बोलूंगा कि तुम्हारा जो माइंडसेट है तुम्हारे दोस्तों के साथ, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। और तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं सोचना है कि मेरे नंबर कैसे आते हैं। कॉम्पिटिटिव इन द सेंस तुम्हें ये सोचना है कि अगर वो बंदा सामने वाला नंबर ला रहा है तो मैं भी तो ला सकता हूँ, मेरी भी तो कैपेबिलिटीज हैं, ये सोचते हुए चलना है। तो अपने आप को जज करते रहना चाहिए, खुद को एस्टिमेट करते रहना चाहिए। दूसरा, जैसा संजीव कह रहे हैं, देखिए पहले दिन से ऐसा नहीं होता, हर दिन आपको काम करना पड़ता है, हर दिन आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इन सब चीजों में आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संजीव, माइंडसेट के साथ साथ ड्यूरिंग प्रिपरेशन और दो साल का ये जो फेज रहा, इसमें कई बार कई इमोशंस जो हैं वो ऐसे आ जाते हैं, इमोशनल ब्रेकेज कई बार आता है, कई सारी ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं, कई अनयूजुअल थिंग्स होती हैं, तो आपको क्या लगता है इन दो सालों में कोई ऐसा एक इमोशनल एस्पेक्ट जो आपकी तैयारी के दौरान आपके सामने आया, आपने उसको अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाया और कहीं ना कहीं आप उसको आगे लेके? अब सर कमजोरी की बात करें या ऐसी चीजों में जब इंस्पिरेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला कि कोविड में स्टार्ट किया था हमने, तो वो सबसे बड़ा एक इंस्पिरेशन था कि उस टाइम पे लोगों को रियलाइज हुआ कि ये जो प्रोफेशन है, ये जो डॉक्टर का काम है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, इसका सोसाइटी में सबसे बड़ा रोल है। तो वो एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी कि आप एक ऐसे प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं जहां पे एक ऐसा दिन आएगा कि किसी इंसान की मौत और उस इंसान के बीच में आप अकेले इंसान खड़े हो। तो अब जब उस वक्त के लिए काम कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन ऑलरेडी आता है। और एक और चीज थी, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में लगभग कॉमर्स या किसी और फील्ड से रिलेटेड लोग रहे हैं, जैसे मेरे जो पेरेंट्स डिफेंस पर्सनल्स भी हैं कुछ, मेरे लगभग जो पेरेंट्स और चाचा वगैरह हैं, तो वो क्या है कि कोई कॉमर्स से ही ज्यादातर रिलेटेड है, कोई सीए है, कोई सीएस है, कोई अकाउंटेंट है, कोई लॉयर्स है, कोई डिफेंस पर्सनल्स है, कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो मैं एक बहुत नया एस्पेक्ट था अपनी फैमिली में जब मैं मेडिकल फील्ड की सोच रहा था, वो एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। और वो इंस्पिरेशन जो थी वो काम करती है, क्योंकि हम बात करते हैं मोटिवेशन की, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप मोटिवेशन ढूंढने के लिए यहां ना जाओ, आप इंटरनल मोटिवेशन के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए देखो कि आपको जब तक उस स्टेथोस्कोप के लिए, उस फाइन डे के लिए, जिस दिन आप वो वाइट एप्रन पहन के स्टेथोस्कोप गले में डाल के घर आओगे, जब तक उस चीज का मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगा कोई फायदा नहीं। तो आपको उस चीज के लिए काम करना है कि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े कि भाई मेरे को मोटिवेट कर, मेरे को उस सिचुएशन में डाल के मैं काम करूं, आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि किसी भी प्रोफेशन में जाना है, किसी भी लक्ष्य को जिंदगी में आपको हासिल करना है, तो एक चीज सबसे पहले आपको निर्धारित करनी पड़ेगी। मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, और इस बात की खूबसूरती का अंदाजा अगर आपको नहीं है कि गले में स्टेथोस्कोप टांग के एप्रिन पहनकर आप कैसे दिखेंगे, तो मुझे लगता है आप अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से थोड़ा भी दूर हैं, आप उसके बारे में पूरी सजगता के साथ नहीं सोच रहे हैं। संजीव के परिवार में सारे लोग कॉमर्स फील्ड से थे, कुछ डिफेंस पर्सनल्स हैं, सारे लोग बिजनेस एक तरीके से देखा जाए तो उस एटमोस्फियर से आते हैं, फिर भी एक बच्चे ने खुद के अंदर एक डिजायर पैदा की और उस डिजायर पे काम किया, डिटर्मिनेशन के साथ काम किया, और इस डिटर्मिनेशन ने संजीव को यहां तक पहुंचाया। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, संजीव ने 6856 मार्क्स हासिल किए हैं, ऑल इंडिया रैंक संजीव की जो है वो है 602। एग्जैक्टली इतनी बड़ी रैंक देखा जाए तो भारत भर में आपको पता है लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, तो अपने आप में ये बड़ी रैंक है, बड़ा स्कोर है, और वो भी 12th के साथ है। संजीव से सेलेक्ट नहीं हुआ है, और एक मिथक संजीव ने और तोड़ा है जो जनरली लोगों का होता है कि 12th के साथ मार्क्स नहीं आते। संजीव, जहां तक मुझे आइडिया है आप राजस्थान बोर्ड से 12th पास हैं। जी सर। एक बड़ा बड़ा दिमाग में होता है बच्चों के कि 12th के साथ CBSE बोर्ड चूज करें, राजस्थान बोर्ड चूज करें। देखिए, राजस्थान बोर्ड से पढ़ने वाला जो संजीव है, जो दक्षिण भारत से आया था, उत्तरी भारत नेटिव था, यहां आके अपनी तैयारी की, एटमोस्फियर कंप्लीटली डिफरेंट था, फिर भी किसी टाइप का कोई ऑब्स्टेकल सामने नहीं आया, वो तब जब आपका डिटर्मिनेशन बहुत पक्का हो। तो संजीव, 2023 के बच्चे आपको सुन रहे हैं जो नीट का एग्जाम 2023 में देंगे, उन बच्चों के लिए प्रिपरेशन को लेके कोई स्पेशल स्ट्रेटजी, कोई स्पेशल प्लानिंग क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आप प्लान करें, किस तरीके से अपने शेड्यूल को, टेस्ट पेपर्स को, अपने DTS को किस तरीके से प्लान करके फाइनल एग्जाम तक आप जाएं? तो हम जब इस चीज की बात करते हैं, जब मैं अपनी जर्नी के बारे में, अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करता हूं, तो मैं एक जनरल पर्सोना लेके चलता हूं कि मैं एक चीज कैसे कन्फाइन कर पाऊं सब कुछ एक साथ। तो वो होता है कि मैं बात करता हूँ 4C रूल की।
फोर सी रूल जो हमारे टीचर्स ने हमारे हमारे लिए बताया था, हमें बताया था कि इस पे काम कर लो, इन चार सी पे काम कर लो, इनको स्ट्रांग कर लो, तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज के लिए इन द सेंस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट कर रहे हो, तो इन चार चीजों पर तुम्हें ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। वो चार सी है, सबसे पहला होता है कंटेंट, दूसरा होता है कंसंट्रेशन, तीसरी होती है कंसिस्टेंसी, और चौथा होता है कॉन्फिडेंस। अब जब हम कंटेंट की बात करते हैं, तो जब मैं जीसीआई में आया था, बहुत सारे डाउट्स थे। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के होते हैं कि नए नए जब हम किसी फील्ड में आते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि इतनी सारी बड़ी दुनिया खुली है मेरे सामने, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, पता नहीं कितना पढ़ लूंगा, ऐसी चीजों के बारे में आता है, सभी के दिमाग में आती हैं ऐसी चीजें। लेकिन सबसे पहले कि अगर आप इस लेवल पे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने की सोच रहे हो, तो एक चीज जो सबसे ज्यादा समझनी है तुम्हें, वो ये है कि तुम्हें उस डिलेमा से निकलना पड़ेगा कि तुम्हें दुनिया का ज्ञान लेना है, तुम्हें वही पढ़ना है, उसी चीज पे ज्यादा फोकस करना है जो तुम्हारे काम का है। यही चीज स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं। 11th 12th के साथ, जैसे सर ने बोला कि लोगों में एक फोबिया रहता है कि यार 12th के साथ सिलेक्शन तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो इसीलिए होता है फोबिया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो 12th तक समझ नहीं पाते कि पढ़ना किस तरीके से। तुम्हें वो समझना होगा, अपनी उस नादानी को छोड़ना होगा, और तुम्हें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा चीजों के बारे में कि मेरे को उतने उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, मैं जब करता हूँ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की बात और इंस्पिरेशन की बात ऐसी होती है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरे से कंसंट्रेट नहीं किया जाता, मेरे से बैठा नहीं जाता पढ़ने के लिए। तो देखो, तुम्हें छोटी चीज तो करनी नहीं है। जिस दिन तुमने सोचा था कि मेरे को नीट का एग्जाम फाइट करना है, एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, तुम्हें कितने नोबल प्रोफेशन में, इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी में जा रहे हो, एक डॉक्टर बनने वाले हो, तो छोटे सपने तो है नहीं तुम्हारे। तो जब तुमने इतने बड़े सपने देखे हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन तो तुम्हें अपनी इंस्पिरेशन में लाना ही पड़ेगा, कंसंट्रेशन के बिना कुछ नहीं होना। और कंसंट्रेट जब तक क्लास में करोगे नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब तक समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है। फिर बात करता हूँ कंसिस्टेंसी की। तो स्टूडेंट्स, मैं जैसे भी इन रिसेंट टाइम रिजल्ट के बाद में जैसे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो उनका सबसे पहला और सबसे यूजलेस डाउट जो होता है वो ये होता है कि आप कितने घंटे पढ़ते। तो ये जो डाउट होता है ना, ये इसीलिए यूजलेस होता है क्योंकि आप किसी टॉपिक को एक घंटे लेके बैठो खत्म कर सकते हो, आप उसी टॉपिक को 10 घंटे तक खींच सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो कहते हैं ना, नियत की बात होती है, अगर नियत अच्छी है तो आप जल्दी कर लोगे उस टॉपिक को, नियत खराब है आप पूरे दिन लेके बैठोगे वो खत्म ही नहीं होगा टॉपिक। तो आपको काम घंटों पर नहीं करना है, मैं इतने घंटे पढ़ूं, आपको काम करना है अपने टॉपिक्स पे कि आज मेरे ये 3 टारगेट टॉपिक्स हैं कि आज मेरे को ये खत्म करने हैं, तो ये करने हैं, चाहे वो कैसे भी, एक तरह से ऑलराउंड उसको करना है, उसकी थियरी पढ़नी है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन द एंड फीडबैक लेना है, क्या गलत हुआ क्या नहीं आ रहा उसको और अच्छे से करना है, और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जाना है। कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो ये। और लास्ट में जो चौथा सी और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है कॉन्फिडेंस। जब तक तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, लास्ट में चाहे तुम्हें कितना ही कुछ आता हो, तुम उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाओगे। और हमारे लेवल पे जो जेई हो गया, नीट हो गया, ऐसे एग्जाम्स होते हैं, ये एप्लीकेशन लेवल के एग्जाम होते हैं, यहाँ पे तुम्हें अपना नॉलेज सिर्फ शो नहीं करना होता, उसको अप्लाई करके दिखाना होता है। तो उस एप्लीकेशन को तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें अपने अबिलिटीज पे, अपने कंटेंट पे, जो कुछ तुमने पढ़ा है उस पे विश्वास होगा। तो उस विश्वास को बनाए रखो, और कभी अपने मोटिवेशन को नीचे मत जाने दो, हमेशा यही सोचो कि मैं टॉपर हूँ, मैं जिस दिन मैं काम करूंगा, जिस दिन मैं मेहनत करूंगा, मेरे नंबर आएंगे, चाहे आए ना आए, विश्वास नहीं खोना अपने खुद के अंदर। तो ये संजीव हमारे साथ बात कर रहे थे, और संजीव का कहना है कि खुद पर आत्मविश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो, पूरी ईमानदारी और सही नियत के साथ आप आगे बढ़ते रहो, आप जरूर अच्छा कर जाओगे। संजीव ने 12th के साथ 96.20 मार्क्स राजस्थान बोर्ड से हासिल करते हुए नीट के एग्जाम में 685 का स्कोर किया है, ऑल इंडिया रैंक 602 है, और EWS में संजीव की रैंक है 51। देखिए, ये सब बातें तब सार्थक होती हैं जब आप इन सब बातों को सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं और अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, अमल में लाते हैं। बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलता हुआ संजीव आपको सफल लगता है, सफल दिखता है, लेकिन सफलता के पीछे बड़ी मेहनत है, कड़ी मेहनत है। आप सबको भी एक ही संदेश, कड़ी मेहनत करें। आप मेहनत करते रहेंगे तो जरूर एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी, सफलता को आपसे रूबरू होना पड़ेगा। संजीव, हम आपकी बड़ी जिंदगी की कामयाबी की, बड़ी समृद्ध जिंदगी की दुआएं करते हैं। ईश्वर आपको बहुत बड़ा बनाए, और ये आत्मविश्वास इसी तरीके से जिंदगी में आप में बना रहे। गुरु कृपा का नाम आपने रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। गुरु कृपा परिवार अपने इस लाडले बेटे को, होनहार बेटे को शुभकामनाएं प्रेषित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।